ये जो दुकानदार हैं स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, इनको सबको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। तो ये मेरा मैसेज है आपके लिए, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जा रहा है, वही 20 लोगों के जेब में जा रहा है। परसेंट जग गया उसमें से सब बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी। आप मुझसे पूछो पहला कदम क्या है, मैं बताता हूं। पहला कदम जाति जनगणना, सबकी गिनती। इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने। उसके बाद आर्थिक, फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 20-25 सबसे अमीर लोगों का कितना कर्जा माफ, कितना नहीं, हजारों करोड़ नहीं, 16 लाख करोड़ रुपया। अब आम आदमी को यह नंबर समझ ही नहीं आता, अदानी को समझ आ जाता है, मगर आम आदमी को समझ नहीं आता 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। मैं आपको बताता हूं, एक साल मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का 24 साल का पैसा 20-25 लोगों को दे दिया। किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने, बुनकरों का कितना माफ किया, छोटे व्यापारियों का कितना किया, जो ये युवा कॉलेज की पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए कर्जा लेते हैं उनका कितना माफ किया। माफ किया कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए, इसके आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पब्लिक कर देने चाहिए। सुना इसके बारे में? अब बात निकलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को दिए, हजारों करोड़ रुपए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर, सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सट्रॉट करा जाता है। हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपतियों से लिया। भाई और बहनों, देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई जानता नहीं? 20% नहीं है भाई, फिर से बोलो, 20 नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने? 15%। माइनॉरिटी कितने? 15%। 50 में 15 जोड़ो कितना होता है? 65। 65 में 15 जोड़ो कितना होता है? 80 में 8 जोड़ो कितना होता है? 88।
आपकी आबादी 88% है, उसमें 5 जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो, मुझे बताओ इस देश में आपकी भागीदारी कहां है? मीडिया में आपके लोग हैं क्या? एक आपका नहीं है, 90% का मीडिया में एक आदमी नहीं दिखेगा, इसीलिए मीडिया वाले आपकी बात नहीं करते कभी। मीडिया में आपने कभी किसानों की बात होती हुई देखी? मजदूर की बात होती हुई देखी? छोटे दुकानदार की बात होते हुए देखी? बेरोजगारी की बात सुनी? महंगाई की बात सुनी? नहीं। अंबानी की जी शादी होती है मीडिया में देखा? बॉलीवुड के सुपरस्टार मीडिया में दिखते हैं? मोदी जी समुद्र के नीचे जाते हैं मीडिया में दिखता है? मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ मीडिया में दिखता है? मोदी जी कहते हैं सेलफोन की लाइट जलाओ दिखता है? क्यों? क्योंकि आपके तो वहां कोई है ही नहीं, मीडिया में आपका कोई नहीं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें 90% का कोई नहीं। मुझे नाम दे दो पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी का, एक नाम दे दो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी का मालिक है, मुझे नाम दे दो, कोई है ही नहीं। सरकार की बात करें, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा बजट वो बांटते हैं, उनमें से बता दो, 90 में से बता दो पिछड़े वर्ग के कितने, ओबीसी कितने? 3। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है, ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, दलित 3। 100 रुपए खर्च होते हैं, दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेता है 100 रुपए में से, और आदिवासी 100 रुपए खर्च होते हैं तो 10 पैसे का निर्णय लेता है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां 90% का कोई नहीं। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, वहां 90% का कोई नहीं। तो आप लोग हो कहां? आप लोग मजदूरी करते हो। ये जो फ्लाईओवर बनाए ना, ये 90% ने बनाया है। ये जो सड़क बनी है, ये 90% ने बनाया है, मगर इसका जो पैसा बना है वो 5% के बैंक अकाउंट में गया है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो यात्रा में लगा दिया। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, बेरोजगारों, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ अन्याय। किसान कहता है हमें एमएसपी दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं मिलेगी, मर जाओ तुम्हें नहीं मिलेगी। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दिलवा देंगे। तो ये लड़ाई है भाइयों और बहनों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 20-25 अरबपति, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की गरीब जनता, बेरोजगार लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग। यहां पे बुनकरों की आबादी है। आपका नरेंद्र मोदी जी ने कभी कुछ किया? कर्जा माफ किया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी, और जो छोटे उद्योग चलाते हैं, जो स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हैं, बुनकर लोग हैं, उन सब का धंधा खत्म कर दिया।